अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम रिव्यू लेके आए डॉलन्स कंपनी के किचन स्टोव का, जो कि 3 बर्न के साथ आता है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी स्टील क्वालिटी के साथ आता है, जो कि नॉन माइग्रेंट के साथ आती है। और इसके अलावा 3 इसमें आपको नॉब मिल जाती हैं, जिससे आप इसे ऑटो इग्निशन कर सकते हैं। और इसमें इसके अलावा इसमें आपको सेफ्टी वाल्व मिल जाता है, जिससे फ़ायदा ये होता है अगर आप किचन में कच्ची गैस, यानी कि अगर बर्नल ऑन है और कच्ची गैस निकल रही है जिसको बर्न नहीं हुई हुई, तो ये 10 सेकंड तक उसको जो सेफ्टी वाल्व है ये कट कर देगा। और हमेशा की तरह हमारी वीडियो बनाने का मकसद किसी भी प्रोडक्ट की तारीफ करना नहीं होता, बल्कि इसकी खूबियाँ और खामियाँ आपके पास लाना होता है, ताकि आपको परचेजिंग में आसानी हो सके। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी मॉडल की, तो इसका जो मॉडल है वो 370 है। और इसके अलावा 3 बर्नर के साथ ही आपको मिल जाता है, इसका जो बर्नर क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर है। और इसके अलावा 3 रिंग फ्लेम में मिल जाता है, आप देख सकते हैं 1, 2 और 3। इसकी ग्रिल की बात कर लें तो ये जो ग्रिल है इसे कास्ट आयरन और देगी भी कहा जाता है। और सबसे अच्छी बात है इसकी जो ग्रिल है ये टॉप वाली, ये किसी भी तरीके मूव नहीं होगी। इसके सेंटर में आपको लॉक मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं, जिससे ये जो ग्रिल है और इसमें जो बर्तन है उसको काफ़ी अच्छी स्पॉट मिलती है। इसकी मेन बर्तन की बात कर लें तो ये 3 kV आपको जो हीट है वो प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा इसका जो सेंटर वाला बर्नल है ये 2 kV का, जबकि जो बहुत सारी कंपनियाँ वो आपको 1 kV की हीट प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा इसमें आपको सेफ्टी वाल्व प्लस ऑटो इग्निशन मिल जाती है। करना आपने ये है कि इसके बॉटम पर सेल डलेगा और जैसे ही ये नॉब को आप पुश करेंगे तो उसकी जो इग्निशन है वो ऑन हो जाएगी। और इसके अलावा माचिस या लाइटर की किसी भी किस्म की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इसके ये वाले बटन की बात कर लें तो ये 3 रिंग फ्रेम के साथ मिल जाता है, 1, 2 और 3। और टॉप जो ग्रिल है वो कास्ट आयरन के साथ मिल जाती है। स्टील क्वालिटी की बात कर लें तो ये 304 कैरेट का है, काफ़ी अच्छी कंपनी का, जो कि डॉलर्स कंपनी दावा कर रही है। इसके अलावा 3 नॉब मिल जाती हैं। वारंटी की बात करें तो वारंटी इसकी 1 ईयर है, जिसे आप पूरे पाकिस्तान में आसानी क्लेम कर सकते हैं। और 1 ईयर इसकी वारंटी है। और इस टाइम जो स्क्रीन पर नंबर चल रही है डॉलर्स कंपनी के ऑफिशियल नंबर हैं, अगर कोई दुकानदार आपकी बात नहीं सुनता जो कि एजुकेटेड पाकिस्तान में होता है, तो इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके आसानी आप सर्विस बैकअप ले सकते हैं। कि बॉटम की बात कर लें तो इसका जो बॉटम है वो कुछ इस तरीके से आता है। और इसके वजन की बात कर लें तो ये काफ़ी ज़्यादा वजनी हॉब है, जबकि अनदर कंपनी में इसका जो वजन है किसी भी हॉब में वजन नहीं दिया जाता। इसके फ्रंट पे आपको स्टील की प्लेट मिल जाती है, जिससे उसका जो फिट करने में आसानी होती है। अब बिल्कुल बॉटम पे आपको 4 फुटर्स मिल जाते हैं। अगर आपको इसमें मार्बल में फिट नहीं करना तो ये जो फुटर्स हैं ये आपको 3 इंच का मार्बल से फासला दे देंगे। और इसके अलावा इसकी ये बॉक्स है जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें 2 सेल डालेंगे और उसके बाद ये ऑटो इग्निशन में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आपको इसके फ्लेम में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये डबल पिन के साथ है, आप देख सकते हैं ये पिन, जो 2 पिन है ये जो आपको नज़र आ रही है, अगर आप इसको आगे पीछे ज़रा सा मूव करेंगे तो इसकी जो स्पीड है गैस की वो बढ़ जाएगी, बशर्ते गैस जो है वो आ रही हो। वेट की बात कर लें तो वेट इसका काफ़ी ज़्यादा है। इसकी साइज़ की बात कर लें तो इसका जो साइज़ है वो स्टैंडर्ड साइज़ है, यहाँ से एक कोने से दूसरे कोने तक जो इसकी विड्थ बनती है वो 31 इंचज़ है, जबकि टॉप से बॉटम तक ये 18 इंच बनता है। अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत की, जो 370 इसका मॉडल है, इसकी मार्केट में तो कीमत है 48,000 है। 1 ईयर उसकी वारंटी है। और डॉलन्स कंपनी का ये किचन हॉब है और नॉन मैग्नेट स्टील के साथ मिल जाता है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि आप इस स्टील में किसी भी किस्म का जो मेटल है वो शामिल नहीं होता, और इसमें किसी भी किस्म का जो सालन का दाग है वो नहीं लगेगा। प्राइस की बात कर लें तो प्राइस आम हॉब से इसकी काफ़ी ज़्यादा है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी ही प्रोडक्ट की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें।